गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, और आज हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड वीडियो और सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने अब पिछले वीडियो में टाइप टू तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था, इस वीडियो में हम टाइप थर्ड के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ तो हम ये टाइप थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा सीबीएसई में 2006 कंपार्टमेंट और 2017 में पूछा हुआ था। विच टर्म ऑफ एपी, एपी का कौन सा टर्म है, एक एपी का सीरीज गिवेन है, 5, 15, 25 और डैश डैश, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवेन है। तो इसमें पूछा है कि विच टर्म ऑफ एपी इज, एपी का कौन सा टर्म है जो 130 ज्यादा होगा, विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म, जो कि क्या होगा 31वें टर्म से 130 ज्यादा होगा। इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, विच टर्म ऑफ एपी, एपी का कौन सा टर्म होगा जो कि 130 ज्यादा होगा अपने 31वें टर्म से। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक जो आपको एक टर्म एपी का बताना है, हम आपको एन फाइंड करना है और एन फाइंड करना है। मान लीजिए कि कोई जो एन टर्म होगा वो 31वें टर्म से 130 ज्यादा होगा, और तो हमने हमें क्या फाइंड करना है, एक टर्म फाइंड करना है, उस टर्म का हमने ए एन मान लिया, और ए एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, ए एन शुड बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। तो जो ए एन का जो वैल्यू होना चाहिए वो 130 ज्यादा होना चाहिए 31वें टर्म से। तो जो भी टर्म होता है उसको ऐसे लिख देते हैं 831, ठीक है, ये हमारा होना चाहिए। अब हम यहाँ पे हम ए एन करते हैं फाइंड, तो यहाँ पे जब हम ए एन फाइंड करने जाएंगे तो 130 को जोड़ देंगे, और 831 का फॉर्मूला क्या होगा, 831 का फॉर्मूला होगा ए प्लस, और यह 31st था तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 30D लिखेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 831 का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी, A5 का फॉर्मूला होता है A+4D, वैसे ही आपका A31 का फॉर्मूला होता है A+30-D, इसका फॉर्मूला होता है AN का जो फॉर्मूला होता है A+N-1D। तो 31-1 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन में देखें, हमको जो एपी का जो यहाँ सीरीज गिवेन है वो सीरीज कौन सा गिवेन है, ध्यान दीजिए 5, 15, 25 ऐसे हमारा सीरीज गिवन है और ये ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो हमारा जो ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म, तो हमारा ए का वैल्यू हो जाएगा 5, और डिफरेंस कितना होता है और डी क्या होता है डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म, तो ये हमारा हो जाएगा 15-5, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 10। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, जो यहाँ से हमारा आया है कि हमारा यहाँ से डी का वैल्यू निकल गया, ए का वैल्यू निकल गया, तो यहाँ से जो हम ए एन निकालेंगे तो हमारा ए एन हो जाएगा 130 प्लस ए का वैल्यू यहाँ से 5 है, ए हमारा हमेशा फर्स्ट टर्म होता है तो ये हो जाएगा 5, और डी का वैल्यू क्या है डिफरेंस बिटवीन टू टर्म जो कि 10 है, तो ये हो जाएगा 30 × 10। तो जो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 430 और ये हमारा आ जाएगा 435, तो ए एन का वैल्यू हो जाएगा 435। अब हम फाइंड करते हैं कि ए एन हमारा कौन, तो ये तो ए एन आ गया, लेकिन आपको विच टर्म, आपको n का वैल्यू बताना था, आपको हमने a निकाले, अब आपको जो n का वैल्यू बताना है, तो जो an का फॉर्मूला होता है वो होता है A+N-1D। अगर ये n टर्म होगा तो इसका टर्म हो जाएगा A+N-1D = 435। a का वैल्यू हमारा 5 है तो हम 5 को हम ले जाएंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा N-1। डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है 10, तो यहाँ हम लिख दिए 10, ए का वैल्यू 5 था उसको हम उधर ले आएंगे, हमारा माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 435-5 = 430। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा N-1 और ये हो हमारा हो जाएगा 10 और ये हमारा हो जाएगा 430। अब ये हमारा 10 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो N-1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी हो जाएगी 43, और उसको हम आगे लिख सकते हैं ऐसे कि N का वैल्यू हो जाएगा 43+1 और जो कि हो जाएगा 44। तो हमारा ये आ गया N का आंसर, हमारा आ जाएगा 44 टर्म। तो हमारा जो AN कितना आ गया, हमारा जो आंसर आ गया 44, इसका आंसर क्या हो जाएगा 44। तो ये भी आपका सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इस भी क्वेश्चन को आप ध्यान से सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट ये हमारा आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे ध्यान से, ये इसको हम शॉर्टकट में जल्दी जल्दी करेंगे, अब तक लगभग सारे कॉन्सेप्ट एपी क्लियर हो गए। आप इस क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में आपको दो एपी का टर्म दिया है, पहला एपी है 1, 7, 13, 19 और डैश डैश ऐसे ही बढ़ते जा रहा है, दूसरा एपी है 69, 68, 67 और ऐसे ही डैश 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 बढ़ते जा रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, तो आपको क्या निकालना है, एन का वैल्यू फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको n का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n,
आर एन ए टर्म ऑफ फॉलोइंग एपी इज सेम, तो एन के किस वैल्यू के लिए जो आपका एन ए टर्म दोनों एपी का सेम होना चाहिए, मतलब मान लीजिए कि इसका भी ए एन और इसका भी ए एन सेम होना चाहिए, तो उस केस तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एन की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए एपी ए एन भी सेम होगा और दूसरे एपी का भी ए एन सेम होगा, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को एक बार मैं और आखिरी में बता दे रहा हूं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन की किस वैल्यू के लिए, मानिए कि जो पहला वैल्यू का जो ए एन आए वो भी सेम हो और जो दूसरा एपी का ए ए डैश, दूसरा एपी को हमने ए डैश मान लिया तो इसका भी ए एन सेम हो, मतलब एन टर्म के लिए, जैसे मानो कि अगर एन की वैल्यू 50 हो तो 50वें टर्म पे इन दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, एन की वैल्यू 150 हो तो 150 टर्म पे दोनों की वैल्यू सेम होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि एन की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों एपी का टर्म सेम होगा, ठीक है। तो अब हम दोनों एपी में हम क्या करते हैं कि हम दोनों एपी को देखते हैं, दोनों का ए और डी का वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हमेशा फर्स्ट टर्म होता है तो इसमें ए का वैल्यू हो जाएगा 1 और D क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म, तो 7 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है 6 हो जाएगा, इसके बीच का डिफरेंस 6 हो जाएगा, तो यहाँ D का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर हम A का वैल्यू देखें तो A हमारा फर्स्ट टर्म होता है तो ये हमारा A का वैल्यू हो जाएगा 1 और D का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देने वाली बात है, 68 माइनस 69 करोगे या 67 माइनस 68 करोगे, यहाँ D का वैल्यू क्या होगा माइनस 1 होगा, 1 नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि हम बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं। अब कहा है कि N की किसी वैल्यू के लिए दोनों टर्म हमारा सेम होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड आस्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2006 में पूछा हुआ था और 2007 में पूछा हुआ था क्वेश्चन। अब ध्यान से देखें इसका, तो ए एन का जो वैल्यू होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, और इसका भी हो जाएगा ए प्लस ये एन माइनस वन इस टर्म के लिए डी। अब यहां पे जो पहला टर्म था ये हमारा था 1 और यहां पे हमको नहीं मालूम है एन माइनस वन की जो वैल्यू क्या रही होगी, और डिफरेंस यहां पे था 6 था, ठीक उसी तरीके से यहां पे वैल्यू था 69 था और यहां पे जो हमारा था n माइनस वन और डिफरेंस था हमारा माइनस वन का डॉट, ये हमारा मल्टीप्लाई में है और डिफरेंस हमारा था माइनस वन का। अब आप इस टर्म को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 6 n माइनस 6 हो जाएगा और ये हमारा इसको आप इस साइड भेजेंगे तो 69 माइनस हो जाएगा 1 और प्लस जब इसको हम इधर ही सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा माइनस एन प्लस हमारा हो जाएगा 1 क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है। इन सभी टर्म को उठा के इस साइड भेज दे और इस साइड भेज दे तो ये हो जाएगा 7n हमारा हो जाएगा और हमारा अब इस 6 को हम इस साइड भेज दे तो ये हमारा 69 माइनस 1 हमारा पहले हम इसको यही सॉल्व कर ले 68 हो जाएगा, अब इसे खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, प्लस 1 हो जाएगा और प्लस ये इधर जाकर 6 हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना आ गया 75/7 और ये मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था कि जब भी हमारा n का वैल्यू क्या आना चाहिए, n का वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर आना चाहिए, कभी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे हमारा n का वैल्यू क्या आ रहा है फ्रैक्शन में आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि n हमारा यहाँ पॉसिबल नहीं है, n का वैल्यू क्या है नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि n का ऐसा, तो इन दोनों सीरीज के इन दोनों एपी के कोई भी ऐसा टर्म नहीं होगा जो सेम हो, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, अगर हम इन दोनों में n की वैल्यू सेम रखते हैं तो n क्या आ जा रहा है, n हमारा फ्रैक्शन में आ जा रहा है और जब भी फ्रैक्शन में आता है तो आप हमारा ए एन का वैल्यू या n का वैल्यू पॉसिबल नहीं होता है। नाउ तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल धीमे धीमे इंक्रीज करते जा रहा हूँ ताकि आपको सभी टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, आप इसमें एक काम कर सकते हैं कि जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे आप वीडियो पॉज करके खुद से पहले ट्राई करेंगे और उसके बाद अगर नहीं सॉल्व होता है तो फिर आप वीडियो को बढ़ा के देखेंगे, ठीक है। तो पहले जैसे क्वेश्चन मिला आप पहले वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और सॉल्यूशन सॉल्व हो जाने के बाद देखिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि हमारा जो A10 है, A10 का वैल्यू हमारा 52 दे रखा है और ये A16 है, A16 का वैल्यू जो आपको 82 दे रखा है, तो आपसे पूछा है कि A32 का वैल्यू क्या होगा और आपका जनरल टर्म क्या होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे जो ये हमारा क्वेश्चन है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसे आप ध्यान देखिएगा कि A10 आपका 52 दे रखा है, तो जो अगर हम A10 को आप क्या ले सकते हैं, A प्लस 9D लिख सकते हैं, तो A प्लस N माइनस 1D होता है,
ठीक है, तो 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 8 प्लस 9 डी, इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 52 दे रखा है। पहले वीडियो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बताया था, तो ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। A16 आपका 82 दे रखा है, तो इसे लिख सकते हैं A16 है तो इसे क्या लिखेंगे, A प्लस 15 डी, तो ये क्या n-1d, इसका वैल्यू 82 दे रखा है। अब आप क्या कीजिए कि इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, इन दोनों का माइनस कर दिए, तो माइनस कर दिए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ ये प्लस है यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है और यहाँ भी आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 9 माइनस 15 क्या हो जाएगा, -6d हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 52 माइनस 82 ये आपका हो जाएगा -30 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 6 से 5 चला जाएगा, यहाँ से आपका डी का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से आपका डी का वैल्यू 5 आ जाएगा, ओके। इसके बाद हमको क्या फाइंड करना था, A32 फाइंड करना था, तो जैसे ही हम फाइंड करेंगे A32, तो ये हो जाएगा ए प्लस, इसको ध्यान देंगे, ये हो जाएगा ए प्लस 30D हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A प्लस 31D। अब आपको यहाँ पे क्या कर फाइंड करना होगा, A का भी यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड, A का वैल्यू मैं यहाँ स्पेस है यहाँ मैं फाइंड कर दे रहा हूँ, तो जो हमारा A का वैल्यू क्या होगा, हमें पता है कि A प्लस 9D 52 होता है, तो A प्लस 9, और D का वैल्यू कितना आ गया, D का वैल्यू आ गया 5, तो A प्लस 9D, इस D को आप चाहे यहाँ रखो या यहाँ रखो, वैल्यू का सेम आएगा, तो A प्लस 9 था और D की वैल्यू 5 थी, तो यहाँ मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, यहाँ वैल्यू कितना था, 52 आ गया था, तो यहाँ जब आप A को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 52 माइनस ये आ जाएगा 45 आ जाएगा, तो A का वैल्यू आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन में क्या करोगे, हम इस इक्वेशन में हम A का जो रख रहे हैं वैल्यू, तो A का वैल्यू हमारा है 7 है, +31 है और D का वैल्यू हमारा 5 है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 प्लस और 31 इनटू 5 कितना होता है, 155 होता है, तो आपका कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 162 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा A32 का जो आंसर आ गया, हमारा पहला आंसर आ गया A32 जो कि कितना आ गया, 162 आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इसमें जनरल टर्म निकालते हैं, जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू हमारा होता है A प्लस n-1d। आपको जो टर्म मालूम है वो यहाँ रख दे, A का वैल्यू का मालूम है 7 प्लस हमारा n-1, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है और D का वैल्यू कितना है 5, तो इसे हमने लिख दिया 5D को हमने आगे लिख दिया, तो ये हमारा आ गया जनरल टर्म आ गया, an क्या हो गया 7 प्लस 5n-1, तो ये हमारा आ गया जनरल टर्म आ गया। ये भी बोर्ड में 2 से 3 बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नाउ स्टूडेंट, तो ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है कि एक आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है जहां पे कहा कि फिफ्थ सम ऑफ फिफ्थ टर्म, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं केवल उसको उसका एक शॉर्ट टर्म लिख दे रहा हूं कि जो फिफ्थ टर्म और 9th टर्म का सम कितना है, 72 है, ओके, और आपका 7th टर्म और 12th टर्म का सम कितना है, 97 है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि फिफ्थ टर्म और 9th टर्म का जो आपका सम दे रखा है वो 72 दे रखा है और 7th टर्म और 12th टर्म का टर्म 97 दे रखा है। आपको AP फाइंड करना है, सीरीज के टर्म्स आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे हम जैसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो A5, पहले हम पहले इक्वेशन को लिख रहे हैं, तो जो A5 प्लस A9 इसका वैल्यू कितना है, 72 हुआ, ठीक है। तो A5 क्या होता है, A प्लस 4D, और A9 क्या होता है, A9 ये होता है A प्लस 8D, यही होता है, मैंने इस फॉर्मूले के लिए ये 72 के बराबर होता है। अगर आपको इस वीडियो में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जब तक वो वीडियो आप ध्यान से, दोनों का लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल दिया कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, आप दोनों वीडियो देखेंगे उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन CBSE आस्क्ड क्वेश्चन है और थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अगर पहले दो वीडियो आपने ध्यान से देख के समझा होगा तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत ही आसानी से बन जा रहा होगा, और अगर इस वीडियो में आपको दिक्कत आ रहा है तो पहले और सेकंड वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। तो A5 क्या था, A प्लस 4D, A9 क्या था, A प्लस 8D, और ये हमारा हो गया 72। तो अगर हम इसको सम करेंगे तो ये हो जाएगा 2A प्लस हमारा कितना हो जाएगा 12D, और इसका वैल्यू आ जाएगा 72, ठीक है। ठीक, हम इसी तरह लिखेंगे, हम A7 को क्या लिख देंगे, A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D प्लस A12 को लिख सकते हैं A प्लस 11D, जो भी टर्म होगा उससे एक कम डी यहां लिखते हैं, ये होता है 97, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 17D, 2A प्लस 17D, इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आपका आ गया 97। अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं और हम इसको हम इक्वेशन सेकंड मान ले रहे हैं,
तो हम क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में से हम इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दें, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये था 2a प्लस 17d में से हम इक्वेशन सेकंड को, अब ये हमारा था 97, अब हमारा ये क्या था 2a प्लस सेकंड इक्वेशन क्या था 12d और इसको हमने मान लिया 72 मान लिया। अब इन दोनों को माइनस करने जाएंगे तो ये हमारा आगे प्लस था तो माइनस आ जाएगा, यहाँ भी आगे प्लस था तो माइनस आ जाएगा, यहाँ भी आगे प्लस था तो माइनस हो जाएगा, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच जाएगा आपको 5d और अब इसमें से आप 72 माइनस करो तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, तो 5d की वैल्यू 25 आ जाएगी। जब हम d की वैल्यू को फर्दर सॉल्व करेंगे d का वैल्यू हमारा 5 आ जाएगा, तो हमारा d का वैल्यू 5 आ गया। अब हम a के वैल्यू को सॉल्व करते हैं, d का वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर दे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे, आंसर सेम आएगा, हम इसे सेकंड में पुट कर रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 2a प्लस 12d था, 12 इंटू हमने कर दिया 5 कर दिया, ये हमारा हो गया 72 हो गया। तो यहां पर हमारा क्या है, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2a की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 72 और ये 60 12 5 60 हो जाएगा, 60 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2a इक्वल टू हमारा 12 हो जाएगा, जहाँ पे हमारा a का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया, ये हमारा जो a है उसका भी वैल्यू आ गया 6। अब हम क्या करते हैं, इसको हम इसका ap लिखते हो तो पहला टर्म हमारा 6 आ जाएगा, सेकंड टर्म में हम d ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15 आ जाएगा, थर्ड टर्म में हम फिर से d ऐड कर देंगे तो ये हमारा 20 आ जाए, सॉरी ये हमारा हो जाएगा 6 11 हो जाएगा, 11 5 16 हो जाएगा, ये हमारा 16 हो जाएगा। तो हमारा इस टाइप से हमारा 16 हो जाएगा, इस टाइप से हमारा एपी बढ़ता जाएगा। तो जब ए निकल गया, डी निकल गया, 16 हो जाएगा, 16 के बाद हमारा इसमें फिर 5 जोड़ देंगे 21 हो जाएगा, 21 में फिर 5 जोड़ देंगे 26 हो जाएगा, ऐसे ही हमारा बढ़ते जाएगा। तो ये हमारा ए आ गया, डी आ गया। तो एपी कैसे हम लिखते हैं, पहले टर्म में डी जोड़ दिए, फिर दूसरे टर्म में डी जोड़, बाबा डी जोड़ते जाते हमारा एपी का हमारा एक सीरीज बनते जाता है। ओके, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नाउ तो स्टूडेंट, ये हमारा टाइप 4 का क्वेश्चन है और ये सीबीएसई 2017 और 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, बेसिक्स वही रहेगा, बस हमें सॉल्व करने के पैटर्न को देखना है। पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व और फिर क्या करेंगे कि उसके बाद अगर नहीं सॉल्व हो पाता या सॉल्व हो जाता है तो बाद में आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, आप अपने लिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। एम ए टर्म दिया है, एपी का जो ए एम टर्म दिया है वो 1/n दिया है। इसमें आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा होगा लेकिन मैं टाइम थोड़ा सेव करने के लिए क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं। जो एपी का एम ए टर्म दिया है वो कितना दिया है, ए बल 1/n दिया है, और जो ए एन ए टर्म दिया है, जो ए एन ए टर्म दिया है ये दिया है 1/n दिया है। तो आपको क्या शो करना है कि जो ए एम होगा, जो ए एम एन टर्म होगा उसका वैल्यू आपको 1 होगा, ठीक है। अब तो आपको सबसे पहले क्या करना था, आपको इक्वेशन को एक्सपेंड करना होता, तो हम ए एम को एक्सपेंड करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे जो m है, तो ए एम का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है a प्लस, यहाँ m है तो ये हो जाएगा m माइनस 1d, ये हमारा होता है इसका फॉर्मूला। और इसकी जो वैल्यू कितनी दे रखी है, ए एम की वैल्यू दे रखी है एन, तो ये हो जाएगा ए प्लस एम माइनस 1 और ये हो जाएगा डी। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब हमारा ए एन के बारे में दिया हुआ है, जो ए एन का जो फॉर्मूला होगा वो हमने पढ़ा है, ए प्लस क्या हो जाएगा एन माइनस 1, जो भी टर्म होगा उससे कम एन माइनस 1d, ठीक है। ए एन जो हमारा होगा ये हो जाएगा 1/n, सॉरी ए एन की वैल्यू 1/m दे रखा था तो ये हो जाएगा 1/n, अब ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस 1 माइनस एन डी। अब हम क्या करते हैं कि हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस कर रहे हैं हम इक्वेशन सेकंड को, ओके। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को करेंगे माइनस, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है ए एन, तो इसमें से हम इक्वेशन सेकंड को माइनस करना है तो जो लेफ्ट साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस किया, राइट साइड को राइट हैंड साइड से माइनस किया, तो ये हो जाएगा ए एन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ए एन। तो फिर से हम लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे ये वाला टर्म, तो हमारा टर्म ए प्लस एम माइनस 1, ये आ जाएगा डी, और फिर माइनस में यहाँ पे हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, माइनस में हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 और ये हो जाएगा डी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एम एन आ जाएगा, और हमारा ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा m माइनस एन, और ये हमारा क्या हो जाएगा कि a प्लस
ये हो जाएगा एम डी हो जाएगा, एम और डी हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है और बाहर माइनस है, सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस ए हो जाएगा। अब ये प्लस एन डी होता, ये क्या होता, प्लस एन डी होता लेकिन बाहर माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एन डी हो जाएगा। अब ये माइनस डी होता लेकिन बाहर माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस डी हो जाएगा। इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ए से हमारा ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा बचा एम माइनस एन अपॉन एम एन, और यहाँ पे जो हमारा टर्म आ रहा है, ये हमारा टर्म आ रहा है एम माइनस एन इक्वल टू हमारा डी। इससे हमारा ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा डी का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा वन अपॉन एम एन आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया डी का टर्म। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, सो डेट ए एम ए एम एन इक्वल टू वन, मतलब ए एम एन की वैल्यू आपको वन प्रूफ करनी थी। तो हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे हम क्या क्या करते हैं, ए एम एन फाइंड करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस, हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस एम एन माइनस वन डी, ये हमारा टर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके आगे सॉल्व, लेकिन हम उससे पहले हम जो हम डी की वैल्यू निकाल चुके हैं, हम बार ए की वैल्यू निकाल ली, हम ए की भी वैल्यू निकाल ले। तो हम डी का वैल्यू हमारा यहाँ एम एन आर, इसको हम इक्वेशन अगर फर्स्ट में प्लेस करते हैं, हम इसको यहाँ पे छोटे से स्पेस में हम कर ले रहे हैं सॉल्व, ठीक है, ताकि हमारा दो क्वेश्चन एक पेज में सॉल्व हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि हम डी की वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में प्लेस करते हैं। तो इक्वेशन जो हमारा फर्स्ट था वो था वन अपॉन एन था, इसको मैं शॉर्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा ए, आपको ए फाइंड करना है, और ये हो जाएगा एम माइनस वन और डी, और डी का वैल्यू क्या है, जो डी का वैल्यू है सर वो है वन बाई एम एन, तो ये हो जाएगा वन बाई एम एन। तो जब आप इस वैल्यू को करेंगे सॉल्व, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ए हो जाएगा, ये हो जाएगा वन बाई एन, ये जब हम आप इसको इस टर्म में लाएंगे, चाहे पहले आप इसको एक और टर्म देख लो, तो ये हो जाएगा वन अपॉन जो एन हो जाएगा ये हो जाएगा, प्लस एम एन को आप इक्वल लिखो मल्टीप्लाई बाई वन, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं एम प्लस एम बाई एन माइनस वन बाई एम बाई एन, ठीक है। तो अब इस ध्यान देखिए, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर क्या, यहाँ पे जो टर्म बचेगा वो बचेगा वन अपॉन एन इक्वल टू, ये हो जाएगा ए प्लस वन बाई एन माइनस वन बाई एम एन। इसको अगर आप जब सॉल्व करने जाएंगे, तो ए का वैल्यू वन बाई एन, इधर ये आ जाएगा वन बाई एन, प्लस ये हो जाएगा वन बाई एम एन, तो वन बाई एन से वन बाई एन कैंसिल हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, वन बाई एम एन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने ए का वैल्यू क्या निकाल लिया, वन बाई एम एन निकाल लिया। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा वन बाई एम एन हो जाएगा, और ए का वैल्यू प्लस हमारा हो जाएगा एम एन माइनस वन, और ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा डी, और डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू है वन बाई एम एन है। ठीक है, अब इसे आप ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा वन बाई हमारा आ गया एम एन आ गया, प्लस ये हमारा हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम एक बार इधर लिखे, इससे हम वन बाई एम एन माइनस वन बाई ये हो जाएगा एम एन हो जाएगा, जिसमें फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा वन बाई एम एन प्लस एम एन डिवाइडेड बाई एम एन माइनस वन बाई एम एन। इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, और ये जो एम एन से एम एन कैंसिल होकर वन आ जाएगा, जो फाइनल इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो ए एम एन का वैल्यू हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा वन आ जाएगा, और इसको हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, इसीलिए यहाँ से ये प्रूव्ड हो गया। ओके, तो अब हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे एक हमारा टर्म दिया है 7B23C, 7B23T, ये चार टर्म है और चारों टर्म हमारा एपी में है, तो आपको ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम सिंपल सा देखें कि अगर हम यहाँ पे थर्ड टर्म देखें 23, थर्ड टर्म है A3, तो जो A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 आ जाएगी A3 की वैल्यू, और A3 का हम एक A3 को हम फॉर्मूला के चाहे जो A3 है, अगर हम थर्ड टर्म A3 का पिकअप करते हैं, तो जो हमारा A3 क्या आ जाएगा, A3 हमारा होगा A प्लस 2D आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो हमको गिवन है ना, तो स्टूडेंट ये भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक एपी का टर्म है A7B23C, ये पांच टर्म एपी में गिवन है, और इसमें आपको ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से ये समझ में आया है, तो आपको ये आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे आपको ये A7 दिया हुआ है, A7 कौन सा टर्म है, दूसरा टर्म है, तो 7 हमारा दूसरा टर्म है, इसको हम लिख सकते हैं A2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो ये दूसरा टर्म है, तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2 माइनस 1, 1 ही होगा D,
और जो A2 का जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 7। तो यहां से हमें मालूम चला कि जो ए प्लस डी है वो हमारा 7 है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फिर ये फोर्थ टर्म हमारा 23 दे रखा है, तो यहां पे हम क्या आ जाए, ए फोर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस थ्री डी हम लिख सकते हैं। तो फोर्थ टर्म हमारा 23 दे रखा है, तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस थ्री डी। अब आप क्या कीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आप दोनों को माइनस कर दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट में से आप इक्वेशन सेकंड को करेंगे माइनस, तो ये हमारा आ जाएगा 23 माइनस 7 हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड में से हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड में से हम माइनस कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट को, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 23 माइनस 7 आ जाएगा, और यहाँ पे है ए प्लस 3d है, उसमें से माइनस हो जाएगा ए, माइनस हो जाएगा ए प्लस डी, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस ब्रैकेट माइनस का साइन है, जब हम इसे और एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 3d माइनस है, तो ये बाहर खुल गया, माइनस ए आ जाएगा, और ये डी है तो यहाँ माइनस डी आ जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 3d माइनस डी ये हमारा आ जाएगा 2d आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 23 माइनस 7, तो ये हमारा हो जाएगा 16 आ जाएगा। तो यहाँ से जो कैंसिल करेंगे 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, और जो यहाँ जो डी का वैल्यू हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। तो यहां हमारी डी की वैल्यू 8 आ गई। अब आपको एपी का टर्म निकालना है, तो आपको पता है जो डिफरेंस सभी के टर्म में कितना होगा, 8, 8 का डिफरेंस होगा। मतलब अगर डी का वैल्यू प्लस 8 आया है तो जो जो पिछला वाला वैल्यू होगा वो क्या होगा, 8 कम होगा, और जो अगला वाला वैल्यू 8 ज्यादा होगा। तो हमारा ये जो 7 दे रखा था, डिफरेंस हमारा 8 का था, तो जो अगर हम फर्स्ट वैल्यू निकालेंगे तो उसमें से क्या कर देंगे हम, यहाँ पे हमारा हो जाएगा -1 आ जाएगा। कैसे मैंने किया, या आप लोग समझ सकते हो, 7 में से आप क्या कर दोगे, 8 को माइनस कर दोगे। पिछले वाले टर्म में से हम डी को माइनस करते हैं, तो जब हम -1 में से 8 जोड़े होंगे तो 7 आ गया। फिर अगले टर्म में 7 में आप 8 और जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 के बाद जो 8 7 15, फिर ये हमारा जाएगा 23 आ जाएगा, और 23 में फिर आप अगला वैल्यू निकालना है, तो पिछला वैल्यू निकालने के लिए हम 8 माइनस करते हैं इस टर्म में से, और अगला वैल्यू निकालने के लिए 8 जोड़ते हैं। तो इसमें अगला वैल्यू निकालना है तो इसमें हम 8 जोड़ देंगे, तो ये जाएगा 23 8 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 23 8 हमारा हो जाएगा 31 हो जाएगा। अब देखिए, अब बी को आप, अगर आपको कोई भी दो टर्म गिवेन है और बीच का टर्म अननोन हो, तो आप एपी में निकालने का दूसरा वे भी होता है, दोनों टर्म को आप जोड़ के क्या कर दे, 2 से डिवाइड कर दे। तो 23 प्लस 7 के कितना हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाता है, ये आपका आ जाता है 15 आ जाता है। और देखिए बी की वैल्यू कितनी है, 15। ए की वैल्यू आपका आ गया -1, बी का वैल्यू आ गया 15, और आपका जो सी का वैल्यू कितना आ गया, 31 आ गया। नाउ स्टूडेंट, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2008 2010 2015 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन था कि अगर एपी जो आपका एपी का पी टर्म है, पीए टर्म एग्जाम में ऐसे लिखा होता है, पीए टर्म ऑफ एपी इज क्यू, तो पीए टर्म पूछा है, तो ए और पी की वैल्यू कितना है, क्यू, एंड क्यूए टर्म ऑफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ए और क्यू का वैल्यू आ जाएगा, ये क्यू है ए और जो क्यू का, तो क्यूए टर्म की वैल्यू पी दे रखा है और पीए टर्म की वैल्यू क्यू दे रखा है, तो हमने उसे एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख दिया, ए और पीए टर्म की वैल्यू क्यू है और क्यूए टर्म की वैल्यू पी है। तो आपको फाइंड, आपको ये प्रूव करना है जो एन टर्म होगा इसका वैल्यू क्या होगा, ए पी प्लस क्यू बाई एन। तो अब तक हम ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ऐसे आपको जब भी क्वेश्चन आए तो इसको आप फॉर्मूले के फॉर्म में एक्सपेंड कर ले। तो आपका ये हो जाएगा ए पी, जो ये हमारा आ जाएगा, एपी का वैल्यू दे रखा है क्यू, पहले हम इसको इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखे, तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस, जो भी टर्म है उससे एक माइनस कम, तो पी माइनस 1 हमारा डी हो जाएगा। और एपी का जो फॉर्मूला है ये दे रखा है क्यू, तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस, तो यहाँ पे हमारा जाएगा पी माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ये इसको हम इक्वेशन हम फर्स्ट मान लें। इसके बाद जब हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ए क्यू, ए क्यू का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, ए प्लस, यहाँ क्यू है तो ये हो जाएगा क्यू माइनस 1 कितना हो जाएगा, डी आ जाएगा। अब ए क्यू का वैल्यू कितना है, पी है, तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 डी, ठीक है, तो क्यू माइनस 1 डी। इससे हम इक्वेशन सेकंड मान ले। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, जब हम इसको इस तरीके से माइनस कर रहे हैं तो हमारा इक्वेशन सेकंड हमारा क्या है, ये इसको आप ध्यान देखेंगे, जो हमारा इक्वेशन सेकंड क्या है, तो ये हमारा जगह पी हो जाएगा, पहले एलएचएस माइनस कर, तो पी हो जाएगा इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर देंगे, पी माइनस क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस, ये आपका हो जाएगा पी माइनस 1 डी, सॉरी ए प्लस, ये इक्वेशन सेकंड का हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 डी, उसमें से आपको माइनस करना है ये ए प्लस
पी माइनस वन डी, ठीक है। अब इन दोनों टर्म को अगर आप माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस, ये हमारा क्या आ जाएगा क्यू माइनस वन डी डी आ जाएगा, और ये हो जाएगा ये माइनस में सारा टर्म आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए, ये प्लस था तो ये माइनस आ गया, फिर जे यही माइनस में आ जाएगा, तो पी माइनस वन हमारा कितना हो जाएगा डी आ जाएगा, ठीक है। तो ए से कैंसिल हो जाएगा ए, यहाँ हमारा आ गया पी माइनस क्यू। अब जब इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों टर्म में से हम डी को कॉमन ले, तो हमने यहाँ से डी को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्यू बचा, यहाँ बचा माइनस डी बचा, सॉरी ये यहाँ पे क्यू माइनस वन है, सॉरी यहाँ यहाँ पे क्यू बचा, ये बचा माइनस वन। अब यहाँ माइनस में है तो ये हमारा हो जाएगा माइनस पी हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस पी हो जाएगा, और यहाँ माइनस है और बाहर भी माइनस है तो ये साइन बाहर माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा वन और ये हो जाएगा वन, से वन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचा हमारा पी माइनस क्यू। तो पी माइनस जो क्यू है तो वो डी की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, ये आ रही है क्यू माइनस पी के। आप यहां से क्या करो कि यहां से माइनस कॉमन लो, जब यहां से माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा q माइनस पी हो जाएगा, और d का वैल्यू क्या हो जाएगा q माइनस पी हो जाएगा, q माइनस पी से q माइनस पी कैंसिल हो जाएगा और d का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा। d का वैल्यू माइनस वन निकालने का सभी हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, हम a का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, a का वैल्यू। तो आप यहां पे आपका अब क्या कीजिए कि अब आप a का वैल्यू हम यहाँ फाइंड कीजिए, ठीक है, या इक्वेशन फर्स्ट में रखिए या इक्वेशन सेकंड में रखिए, आप किसी भी इक्वेशन में यहाँ पे रख सकते हो। तो हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखा तो जो q का वैल्यू आ गया वो हमारा क्या होगा a प्लस, यहाँ पे p है, p माइनस वन है, और d का वैल्यू कितना है, यहाँ हमारा आ गया माइनस वन आ गया, ये d का वैल्यू आ गया माइनस वन। जब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये होता है क्यू होता है, ये हो जाता है ए हो जाता है, ये माइनस पी हो जाता है और ये प्लस वन आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा ए का जो वैल्यू आ गया सर, जो हमारा ए का वैल्यू आ गया, अब सभी टर्म को इधर ले जाओ तो यहाँ पे ए किसके बराबर था, क्यू के बराबर था, माइनस पी इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस पी हो जाएगा, और ये प्लस वन इधर ले जाएंगे तो माइनस वन हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया ए का जो टर्म आ गया क्यू प्लस पी माइनस वन। अब आपको ए एन का टर्म फाइंड करना, ए एन का टर्म, तो ए एन का होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ओके। तो यहाँ पे अब हम क्या देख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं जो हमारा ए का वैल्यू क्या है क्यू प्लस पी माइनस वन हमने यहाँ से उठाया, और प्लस यहाँ पे जो डी एन माइनस वन है और डी का वैल्यू है माइनस वन है, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्यू प्लस पी माइनस वन। अब ये हमारा जो मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा हो जाएगा प्लस एन माइनस वन, ये हमारा माइनस एन आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा क्यू प्लस पी माइनस एन। तो ए एन का वैल्यू हमारा ये आ गया जो हम प्रूव करना था, हेंस ये हमारा प्रूव हो गया, क्योंकि हम प्रूव क्या करना था जो ए एन का वैल्यू पी प्लस क्यू माइनस वन और यहाँ पे आ गया पी प्लस क्यू माइनस वन, यही हमारा ये प्रूव हो गया। नाउ स्टूडेंट, तो ये हमारा आज का इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को पहले पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर एग्जाम में बहुत ही टफ टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपका इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो पहले हम इस क्वेश्चन को कोशिश करते हैं सॉल्व करने। क्वेश्चन में क्या गिवेन है, कहा है कि एम टाइम्स द एमेट टर्म ऑफ ए पी इज इक्वल टू एन टाइम्स द एनेट टर्म ऑफ ए पी। मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है कि जो m टाइम्स जो आपका mth टर्म ऑफ ap होगा उसका m गुना किसके इक्वल होगा, nth टर्म ऑफ ap के n गुना का। तो आपको प्रूफ क्या करना है, जो am plus m होगा, जो a का m plus nth टर्म होगा वो जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो am, तो हमारा यहाँ ध्यान से आपको बेसिक से चलना है, am का फॉर्मूला क्या होगा, a plus m minus 1 जो भी टर्म होगा और उससे कम इक्वल टू डी, और एन का क्या और ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा ए प्लस एन है तो एन माइनस वन और ये हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ कि अब हम इस टर्म को उठा के हम इस साइड लेके आ रहे हैं, ठीक है। चाहे हम इसको यही सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा ए प्लस ये हो जाएगा एम एन हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा एम माइनस वन हमारा क्या हो जाएगा ये डी हो जाएगा प्लस ये किसके इक्वल है ये एन ए के इक्वल हो जाएगा प्लस ये हमारा हो जाएगा एन इस ये यहाँ पे हम इसको एम ये एम को मल्टीप्लाई के फॉर्म रखना पड़ेगा ये हो जाएगा एम हो जाएगा प्लस ये हमारा हो जाएगा एन हो जाएगा
एन माइनस वन हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। ये सारे स्टेप आप करेंगे अपने कॉपी में ध्यान से, ठीक है। तो हम इसको उठा के हम इस साइड ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा एम ए हो जाएगा, इसको हम उठा के हम ए के ही पास ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एन ए हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये ना, तो ये हमारा हो जाएगा, अब हम इस टर्म को हम लाते हैं इस साइड, तो ये हो जाएगा एम एम माइनस वन हमारा डी हो जाएगा, माइनस हम उठा के इस टर्म को ला दे रहे इस साइड, तो ये हमारा आ जाएगा एन एन माइनस वन हमारा डी हो जाएगा। अब जब ये सारे टर्म इस साइड चलेगा तो इस साइड बचा के इस साइड कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ हम जीरो लिख देंगे, ठीक है। अब हम यहां से क्या करते हैं कि ए को अगर हम कॉमन ले ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए एम माइनस एन। अब हम क्या करते हैं कि यहां से अगर हम डी को कॉमन ले ले, यहां से अगर हम डी को स्टूडेंट्स कॉमन ले रहे हैं, तो डी को हम अगर कॉमन लेंगे तो अंदर ये हमारा क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा एम एम माइनस वन माइनस ये हो जाएगा एन और ये हो जाएगा माइनस एन और ब्रैकेट में आ जाएगा एन माइनस वन, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया और ये हमारा जीरो के इक्वल आ गया, ठीक है। अब हम अभी हम इसे सॉल्व करना, ये हो जाएगा ए हो जाएगा एम माइनस वन हो जाएगा, तो ये डी हमारा हो जाएगा। अंदर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर, अब ये हमारा हो जाएगा माइनस एन, ये हो जाएगा माइनस, ये हमारा हो जाएगा एन स्क्वायर, ठीक है। अभी ये हो जाएगा प्लस, हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस हमारा हो जाएगा एन, ठीक है। तो ये हमारा टर्म आ जाए, ये हमारा हो जाएगा माइनस और माइनस ये हमारा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एन और यहाँ पे हमारा आ जाएगा इक्वल टू हमारा आ जाएगा जीरो, ओके। अब हम उसके बाद क्या करते हैं कि इसका हम नेक्स्ट टर्म लिखते हैं, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा ए हो जाएगा एम माइनस एन हो जाएगा प्लस हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। डी के अंदर में अगर कॉमन ले इसको तो एम स्क्वायर के पास हम एन स्क्वायर के पास है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, कुछ फॉर्मूले आपको खुद से भी बनाने पड़ेंगे। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस इधर एक और यहाँ पे माइनस में क्या लेते हैं एम ले लेते हैं और हम क्या कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एम माइनस हमारा हो जाएगा एन, ठीक है। तो ये हमारा टर्म आ गया यहाँ पर। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये हमारा टर्म आ गया हमारा जीरो के इक्वल हमारा हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, तो m माइनस हो जाएगा n। तो अब हम क्या करते हैं, इस पूरे टर्म में से हम क्या करेंगे m माइनस n को कॉमन ले, यहाँ भी m माइनस n है, यहाँ भी m माइनस n है, यहाँ भी m माइनस, पूरे टर्म में से हमने m माइनस n को हमने क्या कर लिया कॉमन ले ले, तो ये हमारा जो टर्म बच जाएगा इसमें से m माइनस n को कॉमन ले तो ये बच जाएगा a। अब यहाँ पे हमारा बच गया d, अगर हम इन टर्म में से हम एम माइनस एन एन को कॉमन ले तो ये हमारा क्या होता है, चाहे इस टर्म को हम अगले स्टेप में करते हैं, वरना मेरे को मालूम है कि आप लोग इतने इंटेलिजेंट है कि इस स्टेप को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए हो जाएगा, ये एम माइनस एन हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा डी। इसको हम अगर अब इसको एक एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ओके। और यहाँ पे जो टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा m माइनस बी और ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वल टू माइनस जीरो आ जाएगा। अब हम यहाँ से m माइनस एन को हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जाएगा m माइनस एन को हम ले रहे हैं कॉमन, तो ये हमारा हो जाएगा a हो जाएगा प्लस हमारा क्या हो जाएगा d हो जाएगा। m माइनस एन को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा m प्लस हमारा हो जाएगा n और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस हमारा आ जाएगा। यहाँ एम माइनस एन में कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस हमारा बच जाएगा, हमारा हो जाएगा वन, ठीक है। तो इक्वल टू हमारा जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे किसी भी टर्म में अगर जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यहाँ पे हमारा दो वैल्यू आ जाएगा, या तो इस पूरे टर्म का वैल्यू जीरो आ जाएगा या इसका जो हम यहाँ से हम एम माइनस एन को हम गायब कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बच जाएगा ए प्लस। अब यहाँ पर क्या बचा है ध्यान से देखिएगा, एन प्लस एन माइनस वन, यहाँ पे ये टर्म बचा हुआ और डी को हम बगल में लिख दें, चाहे फोर इंटू टू टू लिखो या टू इंटू फोर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, डी को हमने इस साइड लिख दिया, ये हमारा बच गया, ये हमारा टर्म आ गया, ये हमारा किसके इक्वल आ गया जीरो के। इसका मतलब क्या हो, देखिए या तो एम माइनस एन जीरो हो जाएगा वरना ए प्लस डी एम प्लस वन माइनस एन हमारा जीरो हो जाएगा। इन दोनों टर्म हमने इस टर्म को हमने जैसे देखो, अगर आपको जीरो लाना है, इस चीज को आप ध्यान से, अगर आपको जीरो लाना है तो फोर में आप किसका मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी टर्म में आपको जीरो आंसर में तभी आता है जब या तो कोई एक टर्म जीरो या दोनों टर्म जीरो हो। तो हमने ये सपोज कर लिया कि यही टर्म हमारा जीरो रहा होगा, ठीक है। तो हमने इसको उठा के हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब एक बात का आप रखेंगे यहाँ पे ध्यान, अगर हम एपी का फॉर्मूला लिखना चाहें तो एपी का फॉर्मूला होता था ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू ए एन होता था, ठीक है। तो जिस टर्म में से आपका माइन, अब हम इन दोनों फॉर्मूले को
कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां से हमारा एन का वैल्यू क्या आ रहा है, ध्यान से देखेंगे आप, यहां जो हमारा एन का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है एन का वैल्यू यहां पे एम प्लस एन हो जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस एम प्लस वन माइनस वन डी है इक्वल टू जीरो। हमने इसी एक्सप्रेशन को आप लिखा एम माइनस वन को ब्रैकेट ब्रैकेट ले लिया। तो जो टर्म में से माइनस वन होता है, जिस टर्म में से माइनस वन होता है वही टर्म एपी का होता है। तो यहाँ एम प्लस वन में से आपका माइनस वन हो रहा है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं ए एम प्लस एन लिख सकते हैं और जीरो। और ये हमारा क्या हो गया, ये स्टेप आप लोग को नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ए एम प्लस एन जीरो के इक्वल आ गया, जो हमें ए एम प्लस वन को जीरो के इक्वल प्रूव करना है। तो हैंस ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखने वाली बात क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इसमें बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक के सारे क्वेश्चन कवर है। अभी हमने सम के क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए, अभी हम सिर्फ टर्म्स के ही क्वेश्चन करें। सम के क्वेश्चन अगले वीडियो में हो जाएगा और अगले वीडियो में ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। इसके बाद आपको व्हाट्सएप पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन सीबीएसई आस्ट क्वेश्चन होंगे और इसमें भी जितने क्वेश्चन है ये आपका बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक का सीबीएसई आस्ट क्वेश्चन है, सभी टाइप के क्वेश्चन है। तो आपको पहले ये पूरा का पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है इन क्वेश्चन में या उन क्वेश्चन में, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कर देंगे, ये मैसेज ग्रुप में नहीं डालना है। और उसके बाद मैं सभी क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत क्वेश्चन पूछा था, तो वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम में हमारा एपी का लास्ट वीडियो बनेगा, उसके बाद ये हमारा चैप्टर फिफ्थ फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू।